देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं नीलेश कुमार। अभी मैं उपस्थित हूं बेगूसराय जिले के राष्ट्रकवि दिनकर की धरती सिमरिया ग्राम में, जहां की कवियों का मेला, साथ ही बिहार सरकार के बहुत सारे मंत्रियों का मेला एवं बेगूसराय के प्रशासनिक अधिकारियों का हुजूम यहां दिख रहा है। साथ ही आज हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी की 113वीं वर्षगांठ यानी अवतरण दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर 173वें दिनकर जयंती के शुभ अवसर पर दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, बेगूसराय DDC सुशांत कुमार एवं कई पदाधिकारी ने दिनकर गोलंबर 0 माइल, जो बेगूसराय की एक रीढ़ है, वहां माल्यार्पण कर सिमरिया गांव, जो दिनकर की प्रतिमा है, वहां जाकर फिर माल्यार्पण किए। वहां मौजूद हमारे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। और दिनकर जी हमारे ही जिले के कवि नहीं थे, वो विश्व के कवि थे, राष्ट्र के कवि थे। दिनकर के रोशनी से, दिनकर के प्रकाश से यह धरती अभी भी आलोकित हो रही है, आपको नहीं महसूस होता? ये हमको ऐसा, क्योंकि आपके अंदर या इस धरती के अंदर जो चीजें हैं या इसकी जो विशेषता है, वो वहां रहने वाले को रहते रहते धीरे धीरे उसका एहसास कम हो जाता है। लेकिन जब लोग दूसरी जगह से आते हैं, फिर तो वहां पर उन्हें महसूस होता है, तब पता चलता है तो इस धरती की क्या खासियत और सिमरिया की क्या खासियत है, ये किसी से छुपी हुई बात है क्या? आपके सौभाग्य से तो हम लोगों को इच्छा होती, मन में इच्छा होती कि सिमरिया नाम से, सिमरिया जैसा अध्यात्म और मोक्ष दायी धरती इस बिहार प्रांत में तो कोई दूसरा नहीं है, जितना सिमरिया की धरती मोक्ष दायी धरती। यहां तो आने से न जाने कितने लोगों के, कितनी पीढ़ियों के पाप खुल जाते हैं सिमरिया आने से। आप बताइए कि यहां जो संगम है इस गांव के मिट्टी का और गंगा माता का, दोनों के इस संगम और मिलन से जो भाव उत्पन्न होता है, जरा उसके बारे में सोचिए कि अगर सिर्फ गंगा किनारा होने के कारण सिमरिया का ये महत्व होता है, तो सिमरिया से आगे पीछे 100-300 किलोमीटर आगे भी गांव है, पीछे भी गांव है, 2 किलोमीटर के बाद उस तरफ भी तो गंगा का किनारा है। लेकिन आप ही सोच के देखिए कि सिमरिया का जो महत्व है, क्या यहां से 10 किलोमीटर आगे चले जाइए उस गंगा के किनारे में उस गांव का वो महत्व है क्या? वो अंत में जो संचालक महोदय बोल रहे थे कि 1986 लगातार सिमरिया के लोग वादों और आश्वासनों को सुनते चले आ रहे हैं, तो भाई उन आश्वासन देने वालों ने कम से कम हम अपना नाम नहीं लिखाना चाहिए। हम आपको इतना ही आश्वस्त कर सकते कि जो बातें हमने कही कि बेगूसराय की मान या बेगूसराय की उन्नति प्रगति मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा किसी चीज को ऊंचा ले जाने के लिए कभी कोई मदद जरूरत सहयोग की अपेक्षा होगी,
तो हम लोगों ने कहा दर्शन कराए कार्य कभी पीछे नहीं रखेगा, इस बात का जरूर आपको ज्ञान और भरोसा है। और बाकी तो दिनकर से ज्यादा आशावादी कौन हो सकता है, दिनकर से तो ज्यादा आशावादी कोई कभी आज तक हुआ नहीं। उन्होंने क्या कहा कि सौभाग्य में सब दिन सोता है, सौभाग्य का सब दिन सोता है, देखते आगे क्या होता है। इसलिए सौ हमेशा आदमी को अपना यत्न प्रयत्न प्रयास कोशिश लगातार करते रहनी चाहिए। और आज यहाँ के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते तो आप जो अपनी बात को आगे बढ़ाने के कंप्यूटर बाबू ने जो कमेटी सूची या कार्यकर्ताओं की फहरिस्त बनाया होगा उसमें एक नाम और दर्ज कर दीजिए, हम भी आपके साथ रहेंगे आगे तक प्रयास करते हैं। इसलिए और बाकी बहुत सारी चीजें हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि दिनकर जी ने शिक्षा को जो ऊंचाई की, शिक्षा की जो बात बढ़ाई वो भी कम नहीं। और जो रुदल जी कह रहे थे इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज जितने काम जिस तरीके से जिस विस्तार के साथ हो रहे हैं, और
अपने अतिथि और प्रधानमंत्री से उनका समय मांगते हैं, उन्हें निवेदन करेंगे, उनका भी समय मांगते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। समझदारी पिछले कोरोना से कोई कर के बाद से भी हमने प्रयास किया था कि हमारे अपने विजय कुमार चौधरी आज तक विधानसभा के अध्यक्ष थे और आज हमारा सौभाग्य है, लेकिन कुछ कार्यक्रम की व्यवस्था की वजह से वो हमारा आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाए थे और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि वो उस समय आए जब वो शिक्षा मंत्री के पद पर थे। शिक्षा मंत्री का पद जो कि सिमरिया ही नहीं बिहार की दशा और दशा शिक्षा के माध्यम से अपनी बदली जा सकती है, सुधारी जा सकती है, तो अब इस रूप में वो आए हैं। उनका हम अभिनंदन निकट के जी सबको करते हुए कि हो उठा धरती का कोना कोना जिसको छूट ना मिले वह हो गया कोना। आइए आप हमारे शुक्रिया हम आपका मैं भारतीय सब लोग पार्टी जिला अध्यक्ष सिंटू कुमार सिंह आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 113वीं जयंती पर शत शत नमन करते हैं और उन्हें याद करते हुए गर्व महसूस करते हैं कि वह एक बेगूसराय आदर्श ग्राम सिमरिया में उनका जन्म हुआ और मुझे भी गर्व है कि मैं भी इसी मिट्टी का लाल हूँ और अफसोस भी है इस बात का कि आज बेगूसराय में एक विश्वविद्यालय तक नहीं है उनके नाम से, जिनके नाम से हमारा बेगूसराय धरती जाना गया, बारदोली की धरती कही गई। आज उनके नाम से एक विश्वविद्यालय तक नहीं है, एक कॉलेज तक नहीं है, एक स्कूल तक नहीं है। आज बेगूसराय के कई छात्र संगठन ने एकजुटता होकर एक मानव श्रृंखला निकालकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के विश्व नाम से एक विश्वविद्यालय की मांग की है। आज उन तमाम संगठन के युवाओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जब समाज हित की बात आई, युवाओं के भविष्य की बात आई, छात्र छात्राओं की भविष्य की बात आई और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की नाम से विश्वविद्यालय खुलने की बात आई तो आप लोग एक होकर, एक आवाज़ होकर पूरा बेगूसराय ने एक इतिहास रचने का काम किया है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं भी मांग करता हूं कि इस बेगूसराय में उनके नाम से एक विश्वविद्यालय हो, उनके नाम से एक कॉलेज हो।